हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट के लिए ट्रिक सीख रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके थे, आज हम लोग करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सोहन लेंड्स आउट अ सम टू राम एट 4%। ठीक है, तो सोहन जो है कुछ रुपए देता है किसको? राम को। ठीक है, 4% पर एनम पे, 4% पर एनम एसआई रेट इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 0.5% आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर। इस तरीके से वो देता है। सबसे पहले तो वो राम को 4 साल के लिए देता है रुपए, और हर साल 0.5% इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और कितने साल के लिए दिया है उसने? 4 इयर्स के लिए उसने दिया है। और बोला है कि सोहन को जब अपने रुपए वापस मिलते हैं तो सोहन रिसीव 760 एज इंटरेस्ट। तो जो भी रुपए उसने दिए थे उसमें उसको 760 क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हर टाइम क्वेश्चन में हमारा P इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, 4 इयर्स के लिए अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फर्स्ट ईयर में तो 4% है, फिर सेकंड में 0.5% रेट बढ़ गया है तो 4.5 हो गया, फिर से 0.5 बढ़ गया है तो 5 हो गया, और चौथे साल हो गया 5.5। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये जो 760 रुपीज दिया हुआ है, इतने 760 उसको इंटरेस्ट मिलता है, और ये भी हमारा इंटरेस्ट है, तो मतलब 19 किसके इक्वल है? 760 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 760 अपॉन 90, और 19 फोरजा होता है 76, तो क्या आ जाएगा? 40। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 40। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें 40। और पूछा क्या है? कैलकुलेट द लेंथ सम, मतलब कितना उसने उसको दिया था, कितने रुपए सोहन ने राम को दिए थे वो निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। और प्रिंसिपल हमारा क्या है? 100 है, तो 100 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो मतलब उसने उसको कितने रुपीज दिए थे? 4000 रुपीज। 4000, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, रुपीज 10400 इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 10400 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इन सच अ वे दैट एसआई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 5 इयर्स। ठीक है, तो 10% 5 इयर्स के लिए, तो 5 इयर्स के लिए एसआई क्या आ जाएगा? 10 × 5 = 50। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू द एस आई ऑन सेकेंड पार्ट 8% पर एनम फॉर 10 इयर्स। तो 8% पर एनम फॉर 10 इयर्स, तो इसका एस आई क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक है, अब बोला गया है कि दिस इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट एस आई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 5 इयर्स इज इक्वल टू द एस आई ऑन सेकेंड पार्ट पर एनम फॉर 10 इयर्स। तो इसको हम क्या करेंगे? P1 × 50, इसको हमने इस वाले पार्ट को P1 ले लिया, P1 × 50 इज इक्वल टू P2 × 80। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया, अब इक्वल कर दिया, तो P1 / P2 हमारा क्या आ गया? 80 / 50।
जीरो से जीरो कट गया तो 8/5, 8/5 का सम क्या होता है 13। इस 13 ये पूरा सम, इन दोनों का सम क्या है 13, और इस ये भी जो है पूरा सम है जो टू पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो 13 इज इक्वल टू 1410400। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 800। 13 से इसको डिवाइड करिए 800 मिल जाएगा। अब पूछा क्या है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट द रेट 10%। एट द रेट 10% वाला ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को हमने P1 लिया था। अब P1 के सामने वैल्यू क्या लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है, ठीक है। तो P1 हमको निकालना है, तो 8 और 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए 800, तो ये आ गया 6400। क्या आ गया, 6400, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो आज हम लोगों ने करा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।